नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुजरात से। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने शनिवार को राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया है। इस दौरान सोमनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों में स्थित कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि ध्वस्त इमारतों में 9 मस्जिद, 45 पक्के मकान शामिल है। इस अभियान के दौरान 135 लोगों को हिरासत में लिया है। बीती रात चलाए गए इस अतिक्रमण रोधी अभियान में 102 एकड़ की सरकारी जमीन को खाली कराया है। प्रशासन ने बताया है कि इन सरकारी जमीनों की कीमत करीब 320 करोड़ रुपए है। इस अभियान के लिए जिला प्रशासन ने सैकड़ों पुलिस कर्मियों की तैनाती की थी। अतिक्रमण रोधी इस कार्य में 52 ट्रैक्टर, 58 बुलडोजर, 5 ट्रक, 2 हाइड्रा क्रेन, 2 एम्बुलेंस और 3 दमकल की गाड़ियां शामिल हैं। बता दें कि इस अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर गुजरात के मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं मुस्लिम लोगों ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी कार्य बताया। वहीं प्रशासन ने कहा कि अवैध अतिक्रमण को हटाने की पूरी प्रक्रिया कानून के तहत हुई है। इन लोगों ने करीब 102 एकड़ जमीन पर अपने घर और मस्जिदें बना ली थी, जिन्हें अब गिरा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि गुजरात के योगी बने भूपेंद्र पटेल एक साथ 58 बुलडोजर चला दिए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लगभग दोस्तों 1500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। बता दें कि कुछ देर के लिए ये कार्य रोका भी गया था, क्योंकि मुस्लिम समाज के द्वारा इसका दोस्तों खूब विरोध किया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें दोस्तों खदेड़ दिया था और पूरे मैदान को साफ कर दिया है। बहुत बड़ी खबर।